राज्यसभा में खाली हुई सीटों पर हुए चुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। कर्नाटक में जो नतीजे आए हैं उसने कांग्रेस के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला दी है, जबकि यहां के नतीजे बीजेपी के लिए खासे झटका देने वाले रहे। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर हुए मतदान में से 3 सीटों पर अकेले कांग्रेस ने ही बाजी मारी, जबकि बीजेपी को महज 1 सीट पर ही जीत से संतोष करना पड़ा। हालांकि यहां पर हुए चुनावों में भी एक बड़ा खेला हुआ है, बीजेपी से किसी ने क्रॉस वोटिंग की है। चर्चा है कि ये क्रॉस वोटिंग बीजेपी के ही विधायक एसटी सोमशेखर की ओर से की गई है। सूत्रों की माने तो इस तरह की चर्चाओं के बीच पार्टी आलाकमान ने इसे गंभीरता से लिया है, इसे लेकर पार्टी स्तर पर बातचीत शुरू हो चुकी है। खैर, कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों में से 4-1 के अंतर से पलड़ा कांग्रेस का ही भारी रहा। It was an expected victory. We had enough votes to win all the 3 seats, and we got more votes for these 3 seats. It's an important victory ahead of the local. Personally, it's a privilege for me for being in the upper house, representing the Congress party and representing the state of Karnataka for the second consecutive time. Congress didn't make the same in. They tried the same thing. What they tried in Himachal Pradesh, they tried the same thing in Karnataka. But I am happy that. The MLAs here in Karnataka did not yield for their money and for other allurements. How this result will lead you to Lok Sabha, sir? We will definitely have an edge in Lok Sabha. We will win large number of seats. कर्नाटक विधानसभा में सदस्यों की स्थिति को देखें तो यहां बहुमत वाली कांग्रेस के पास 134 सदस्यों का संख्या बल है, जबकि दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी के पास 66 विधायक, जेडीएस के पास 19 विधायक, जबकि अन्य दलों के पास 4 विधायक हैं। चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने 4 अन्य विधायकों में से 2 निर्दलीय और सर्वोदय कर्नाटक पक्ष के दर्शन पुतनया का समर्थन होने का दावा किया था। साथ ही उसने पहले ही राज्यसभा की 3 सीटों के जीतने का भी दावा कर दिया था। नतीजे आए तो हुआ भी वैसा ही। दिलचस्प बात यह है कि इन 4 विधायकों में से जी जनार्दन रेड्डी ने सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से मुलाकात की थी। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 9 बजे शुरू हो गई थी। इसमें विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग खुली मतपत्र प्रणाली के जरिए किया। चुनाव के लिए मतगणना शाम 5 बजे से शुरू हुई। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले कांग्रेस ने सोमवार को अपने सभी विधायकों को एक होटल में ठहरा दिया था। इस चुनाव के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस की ओर से अजय माकन, सैयद नसीर हुसैन और सीजी चंद्रशेखर मैदान में थे, जबकि बीजेपी की ओर से नारायण बंदगे और जेडीएस की ओर से कुपेंद्र रेड्डी मैदान में थे। क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं के बीच सभी दलों ने मंगलवार को हुए मतदान के लिए अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया था। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव का माहौल तब दिलचस्प हो गया जब बीजेपी जेडीएस गठबंधन ने अपने दूसरे उम्मीदवार कुपेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारा। हालांकि गठबंधन 4 में से केवल 1 सीट जीतने की ताकत रखता है, जबकि जीतने के लिए हर उम्मीदवार को कम से कम 45 वोट मिलने जरूरी थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।